रिंकी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा पर्स पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये एक ब्रांडेड पर्स है ना, तो इसकी प्राइस इतनी कम क्यों है? ये फेक है ना? नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? मेरे मनी मीटर ने। ओह हाँ, ये फेक है। मेरी लिपस्टिक नीचे गिर गई। रुको मैं उठाती हूँ। ओह ये लिपस्टिक तो काफी एक्सपेंसिव है। हाँ, क्योंकि मेरे डैड ने ये दुबई से खरीदा और ये लिमिटेड एडिशन है। लाओ मुझे वापस करो। एक्सक्यूज मी आंटी, आपने इसे गिरा दिया। आंटी ये ब्रेसलेट इतनी महंगी है? प्लीज मुझे बोलो कि तुम मजाक कर रही हो। तुम्हें इस सस्ते और घटिया ब्रेसलेट के बदले 1,00,000 रुपए चाहिए? लेकिन मेरा मनी मीटर बता रहा है कि ये ब्रेसलेट बहुत महंगी है। मेरी दुकान से दफा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। सिक्योरिटी, इसे कोई खरीद क्यों नहीं रहा? रिंकी बेटा, आई थिंक तुम्हें कोई कंफ्यूजन है। मनी मीटर ये नहीं बताता कि किसी चीज की कीमत कितनी है, बल्कि ये मनी मीटर ये बताता है कि उस चीज का जो ओनर है वो कितना गरीब और कितना अमीर है। क्या? अब तो मुझे बस उस आंटी का एड्रेस ढूंढना है।